सो दिस इज द लहंगा जो हमने लिया था आदि मोहिनी मोहन से। बट मोहे में जाओगे तो आपको कलेक्शंस बहुत ज्यादा दिखेंगे। ये पहन के चालू कैसे ऐसे पहले से ही स्टिच्ड है तो फाइनल लुक आप लोग मेरे मेहंदी पे ही देखो। सो क्या हाल चाल दोस्तों, लेट मी टेल यू अ स्टोरी बिफोर आई स्टार्ट द डे। तो वो है कि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में हमारा क्या होता है कि हर सोमवार को मतलब छोटा मोटा करके हमारा जो पूजा घर है वहाँ पे हम शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, ये सब होता है। और उसके बाद मिठाई चढ़ाना नहीं कहते, मिठाई देना कहते हैं, दूध चढ़ाना जो भी है। काफ़ी गर्मी है तो जो भी है, बिकॉज ऑफ विच हर सोमवार को हमारा वेज खाना होता है। और हमारा लाइक फैमिली नियम है, जब से मैं जन्मा हूँ तब से मतलब दादी के ज़माने से ये नियम है कि हर सैटरडे को हमारे यहाँ पे वेज होगा, वो शनि भगवान को खुश करने के लिए, ऐसा कुछ सीन है। इसके साथ बचपन में बृहस्पतिवार को भी हमारा वेज हुआ करता था, वो जैसे जैसे दिन बीतता गया वो चला गया। जब श्रावण मंथ आएगा तो बृहस्पति, शनि और सोमवार। तो अभी बृहस्पति नहीं करते हम लोग, हम सिर्फ सैटरडे करते। तो अभी सोमवार के, अभी सावन के महीने के लिए सैटरडे और सोमवार ये दोनों नॉनवेज खाना होता है, नॉनवेज बोलो मैं वेज खाना होता है, बाकी नॉनवेज वेज जो कुछ भी चलता है। सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज टू वीक्स बैक, आई गेस टू वीक्स या वन वीक बैक, क्या हुआ सैटरडे को मैंने वेज खाया। वेज खाने का मैंने आपको पूरा सीन बताता हूँ, मेरा जो खाने का रूटीन होता है सुबह को। मैं खाने का रूटीन कुछ भी नहीं है, इसका रूटीन ये है कि ये दोपहर को जिम करता है नहाने से पहले, तो इसका ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ये एक्सरसाइज नहीं कर पाता। उसके बाद जो भी खाए कोई बात नहीं। नहीं नहीं, उसके बाद भी खाने का वो होता है। हाँ, उसके बाद भी होता है। लंच तो हमेशा भारी। डिनर का मुझे चिंता नहीं है, लंच और ब्रेकफास्ट मेरे को सही चाहिए था, सही चाहिए इफ आई एम जिमिंग दैट डे। तो अभी क्या है, मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ, बहुत लोगों को पता है फिर भी मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ हम दोनों एक्चुअली गॉट सिलेक्टेड फॉर अ बंगाली वेब सीरीज। तो वो कॉमेडी, नॉन वेज कॉमेडी के ऊपर एक है, मतलब आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जा देखना, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। तो अब जब मिला है वो अपॉर्चुनिटी, तो क्या है, मैं देखो मैं इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, मैं आपको अगर पूरा सिनेरियो बताऊँ, लगभग एक साल डेढ़ साल से लगातार मतलब रेगुलरली मैं जिम करता हूँ, घर पे ही करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, जिम इन द सेंस जो मशीन एंड वेट्स है जितना होता है। तो मैं एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज पे उतना हैवी नहीं, मतलब फिट रहने के लिए करता हूँ। एंड देन व्हाट हैपेंड, इसके साथ वो रजिस्ट्री के बाद मेरे को पॉक्स हो गया। आई थिंक यू कैन सी सम ऑफ द पॉक्स मार्क्स, नहीं दिख रहा होगा, मैं शर्ट अभी नहीं खोलूँगा। तो पॉक्स होने के बाद क्या हुआ, काफ़ी मेरा वेट लॉस हुआ एंड देन मैं काफ़ी श्रिंक हो गया साइज में। तो उसके बाद ख़राब लगता है मेरे को भी आईने में देखने में, ऑल दोस थिंग्स, ये भी बोलती रहती है कि बहुत पतले हो गए हो, ऑल दैट थिंग। मैं नहीं बोलती, कभी कभी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा। तो उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज आई स्टार्टेड, जब बॉडी मतलब फिर से स्ट्रेंथ आने लगा ना, मतलब एनर्जी स्ट्रेंथ सब ठीक होने लगा, आई स्टार्टेड। बट व्हाट हैपेंड, कोलकाता में इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई कि आई कुडंट डू जिम, मतलब बहुत तकलीफ होता था। ऐसा नहीं है ना एसी घर में बैठ के करता हूँ, वो बाहर वाले घर में करता हूँ, वहाँ पे एसी नहीं है तो पंखा चला के कर सकते हैं, बट बहुत तकलीफ होता था मेरे को। तो आई स्टॉप डूइंग जिम, तो दो महीना उसके बाद ठीक से कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहा था, मन करता है तो भूल जाता हूँ, ऑल दोज थिंग्स। देन जब ये अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं सोचा कि यार नहीं यार, जब अपॉर्चुनिटी आया है हाथ में, आई थिंक आई शुड बी गेटिंग फिट, मेरे को फिट होना चाहिए, तो आई शुड रिज्यूम। ये पहले करता था क्योंकि इसको शादी में अच्छा दिखे इसलिए। हाँ पहले आप देखो, मेरे पास दो गोल्स है, एक तो शादी और एक ऊपर से ये वेब सीरीज जो भी कर रहा हूँ। तो जो भी है, दैट वाज द एंटायर सिनेरियो। तो व्हाट हैपेंड वाज सैटरडे को, सॉरी मेरा ब्रेकफास्ट का क्या सीन होता है, मैं दो रोटी और जो भी सब्जी बनता है खाता हूँ, उसके साथ एक बॉयल्ड अंडा रहता है। तो मेरे दिमाग में क्या रहता है, रोटी में थोड़ा प्रोटीन होता है 3 ग्राम्स करके, और अंडा में आई थिंक 5 5.5 मैक्सिमम
ग्राम्स प्रोटीन होता है, उतना प्रोटीन खा लेता हूँ एंड फिर एक्सरसाइज करते करते तो मैं ये प्रोटीन। क्या हुआ पिछले कुछ दिन पहले क्या हुआ कि इसको सैटरडे में भेज होता है तो सैटरडे में पूरा भेज खाया, संडे को क्या हुआ, संडे को दोपहर में अंडा होगा इसलिए सुबह को नहीं हुआ। हाँ ये फैमिली में पता नहीं है क्या सीन है कि मतलब दो दिन में अगर दोपहर को अंडा हो रहा है तो सुबह नहीं खा पाऊंगा, संडे पे नहीं खा पाया। फिर मंडे पे क्या हुआ, मंडे पे तो फिर सावन मास चल रहा है तो नहीं खा पाया, पूरा भेज था। और ट्यूसडे को मैं बताता हूँ तो ट्यूसडे में फुल एक्सपेक्टेशन था क्योंकि मैं तीन दिन से जिम नहीं किया, आप समझ रहे हो, तीन दिन से मैं जिम नहीं किया, बीच में गैप हो गया तो मेरा फुल माइंडसेट था कि आज जिम होगा, ये अंडा मिलेगा, आज अंडा खाऊंगा मैं, जिम करूंगा तो पूरा एकदम प्रॉपर डाइट होगा सब कुछ। हाँ। तो मैं जिस दिन वेज खाता हूँ उस दिन मैं जिम नहीं करता हूँ, ये आपको बता दूँ, जिस दिन नॉन वेज उसी दिन जिम होता है मेरा, ये मैं पता नहीं क्यों। तो मैं मम्मी से पूछा कि अंडा कहाँ है, मैं देख रहा हूँ कि सारा सब कुछ दिया जा रहा है अंडा नहीं दिख रहा है, अंडा कहाँ है नॉन कैजुअली, तो मम्मी बोली कि अंडा नहीं है। उसके बाद क्योंकि अंडा दोपहर को होगा, मैं उस दिन सोचा भाई साहब चार दिन से मैं तो उस दिन ये इतना गुस्सा होगा, इतना ज्यादा ज्यादा करके उसको क्या कहते हैं, सब्जी, हाँ सब्जी लिया, मुझे भी दिया भर भर के लो खाओ, वो सब अलग बात, बट एक सच बात। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया या फिर आई रियलाइज दिस थिंग कि आपको कुछ कुछ जगह पे लाइफ में अगर खुद कंट्रोल ले लो तो फिर यू कैन लिव द वे यू वॉन्ट टू लिव। तो उसके बाद मैं सोचा कि नहीं ब्रेकफास्ट का जिम्मेदारी मेरे को लेना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। तो इसलिए मैं बहुत रेसिपीज देख रहा था अभी क्योंकि खाना बनाना आता है मेरे को थोड़ा बहुत, तो मैं रेसिपीज देख रहा था तो आज कुछ ट्राई करेंगे। हाँ। ताकि मतलब ब्रेकफास्ट क्या होता है ना आपके दिन का लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा होने से ना योर एंटायर डे आपको वो एनर्जी सब कुछ रहता है। तो मेरा तो वेट गेन का है और इसका वेट लॉस हो चुका है, इसके ज़्यादा वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक अंडर 60 नाउ तो काफ़ी सही है। अब मेरे को अबव 60 जाना है, मेरा एक्चुअली वेट 59 के आसपास घूमता रहता है, सोचो बहुत अंडर वेट हूँ मैं, तो ये मेरे को ठीक करना है। सो जो भी है, अगर आपके पास भी कोई डाइट प्लान्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में दे सकते हो। अभी खाना बनाने जाते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट बनाने जाते हैं। तो अभी एक्चुअली मम्मी ट्यूशन पढ़ा रही है अपना, तो बाय द वे कल ये जो चिकन है इसको मैरिनेट करके रखा गया था, मैं इसका सीन बताता हूँ। हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मैरिनेट करके एक दिन ओवरनाइट फ्रीज में रखने से ये काफ़ी नरम हो जाता है, सॉफ्ट बन जाता है चिकन। सो इसको अभी बॉईल करना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको घी में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, अच्छा ये तीन दिन से काफ़ी होगा ना, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा डूबना चाहिए। तो कब दो तरीके से बना सकते हो, अगर आपको ये जो पानी है इसको सूप के तरीके से पीना है तो इसमें कॉर्नफ्लावर डाल सकते हो, उसके बाद सब्जी वगैरह डाल दो ताकि एक अच्छा सा सूप टाइप बन जाए, उसके बाद चबा चबा के पी पी के खा पाओ। एक विसल होने से पहले इसको बंद कर देना, बंद नहीं करना, एकदम लो फ्लेम में ला देना है एंड देन उसको 5 मिनट तक वैसे ही रखना है। वही देखो ये नया सोना है हमारे देश का, इसको भी आज काटा जाएगा, मतलब हमारे पास कितना पैसा है कि हम इसको काटेंगे आज, बट बाजार से सिर्फ एक ही लाया गया है, ये भी आप सोचो क्योंकि ये एक हमारे यहाँ पे 11 रुपए का मिल रहा है, 11 रुपए पर पीस। एक काम दिया है उसके भी बहाने 100 दिखाओ चेहरा वैसे तो देखने को नहीं मिलता कि रोती हुई कैसे दिखती हो फाइनल प्रोडक्ट जो दिख रहा है इसमें थोड़ा और सॉस देंगे या फिर क्रीम वगैरह अगर आपके पास कुछ और है जिसको देके आप इसको और थोड़ा मतलब यू नो क्रीमी बना सकते हो तो आप बना लेना। तभी यहाँ पे मौसम कुछ ऐसा रहता है, दिन में 2-3 बार बारिश हो ही जाता है, बहुत अच्छा वेदर रहता है अभी यहाँ पे। हाँ, अभी बारिश होगा तो ये पानी जब खत्म हो जाएगा तब कड़ा धूप निकलेगा। हाँ। फिर से बारिश फिर से धूप। वैसे इसका जो वेडिंग रिसेप्शन का जो लहंगा है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, एक्चुअली एक ब्लॉग में दिखाया था बट वो बहुत शॉर्ट ग्लिम्स था, तो आज मतलब अच्छे से पहन के मतलब कैसा लुक आ रहा है थोड़ा देखेंगे, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे करके इसको सिलाने भी देना होगा ना,
क्योंकि लहंगा सिल के नहीं आता है। कौन सा डिजाइन कैसे करके करवाना है वही सब देखेंगे आज। हाँ, तो मैं बोला कि नहा क्या है उसके बाद, क्योंकि उसके बालों में तेल लगा हुआ है। तभी आई थिंक दोपहर के 12 बज रहे होंगे एंड नहा के आ गई है। मेरा अभी तक नहाना नहीं हुआ है क्योंकि मेरा जिम मतलब जितना भी वर्कआउट करता हूँ मैं वो एक्चुअली 1 बजे से स्टार्टिंग होता है, क्योंकि मैं लंच करता हूँ सॉरी ब्रेकफास्ट करता हूँ 10 बजे, तो 11-12 एक 2.5 से 3 घंटे का गैप मैं रखता हूँ, उसके बाद जिम कर। जो भी है अभी आपको दिखाते हैं जो वेडिंग रिसेप्शन का लहंगा है वो कैसा है एंड हाउ इट सूट्स, उसके ऊपर कैसे निखरता है। सो दिस इज द लहंगा जो हमने लिया था आदि मोहिनी मोहन से। यू कैन सी द वर्क, इट्स रियली ब्यूटीफुल। साइड पे ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट शेड लाएगा। कॉस्टिंग हमें 15,000 समथिंग में आया था, लेकिन यही डिज़ाइन मैंने देखा था मोहे पे देख के, मैंने ब्राइडल लहंगा देख के वो पूछा था कि इसका प्राइस कितना है, तो उन लोगों का प्राइस था यही सेम डिज़ाइन था, थोड़े थोड़े डिज़ाइन अलग थे। तो कौन सा वाला, वो वाइट वाला? नहीं वाइट वाला नहीं, जो ब्रा, हाँ ब्राइडल वाला था ना जो यहाँ पे ऐसे घुसा घुसा के रखा था, उसका कॉस्टिंग बोल रहा था वो लोग 40-50 हज़ार। बट मोहे में जाओगे तो आपको कलेक्शंस बहुत ज़्यादा दिखेंगे और प्राइस थोड़ा बढ़ाओगे ना, प्राइस ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा है कंपैरेटिवली दूसरे दुकानों से, बट वहाँ पे आपको डिज़ाइंस काम जो मतलब ये अंदर का जो सिलाई और स्टोन्स का काम होता है वो बहुत सही दिखता है, मतलब देख के आपको पसंद आ जाएगा। के साथ दो दुपट्टा है, एक ये वाला और एक पिंक वाला, ये पिंक वाला है और ये ब्लू वाला, और इसके साथ दोनों ही जाएगा। एक्चुअली ये अगर तुम शादी पे पहनो तो एक माथे पे देते हैं और एक ऐसे करके। अच्छा, लेकिन रिसेप्शन पे तो दोनों लगेगा नहीं आई गेस। और ये है उसके साथ ब्लाउज पीस, यहाँ पे जो पूरा बनाया हुआ है। हाँ, सो दिस इज एक्चुअली जो मटेरियल है ये वेलवेट का है, जिसकी वजह से आप अगर कुछ मेरे पुराने व्लॉग्स देखोगे, पुराने मतलब 3-4 व्लॉग्स पहले जाओगे आपको दिखेगा कि मैं वेलवेट का ढूंढ रहा था। एक्चुअली वेलवेट है तो वेलवेट के साथ वेलवेट पहनूंगा तो अच्छा दिखेगा, और मैं चाहता हूं कि मतलब मेरा जो रिसेप्शन का ड्रेस होगा मतलब वो मैं दूसरे जगह पर भी पहन सकूं। अगर मैं एथनिक पहन लिया ना तो वो सिर्फ वो एथनिक वाले जगह पर, पार्टी वार्टी में नहीं पहन पाऊंगा, तो इसलिए मैं तो सोच रहा था कि वेलवेट का अगर कुछ सूट ऑप्शंस या ब्लेजर्स में कुछ मिले तो अच्छा होगा। तो मैं बाहर से यहाँ पे क्लिप ला के दिया हूँ, क्लिप से ये लोग मैं बोलूँ ये अटैच करते हैं। कुछ भी करके किया गया क्योंकि इसके साथ दुपट्टा को लगा हुआ है, इसको हम खोल नहीं सकते अगर कुछ बिगड़ जाए तो ऐसा लग रहा है द फाइनल लुक ये मेरे यहाँ पे। एक्चुअली क्या है ना मतलब ये कैमरा पे जब तक मैं पास से नहीं दिखा रहा हूँ तब तक ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना ये शाइन कर रहा है ना, तो ये जो कलर है ये शाइनिंग की वजह से एक्चुअल कलर समझ नहीं आ रहा कैमरे में, मतलब ये छोटे से स्क्रीन पर तो नहीं आ रहा। ये पहन के चालू कैसे ऐसे ऐसे हाँ ये बहुत भारी है और इतना पसीना हो रहा है अंदर में पैरों में से ऐसे टप टप करके पसीना गिर रहा है, आई कैन फील दैट। वो वाला दुपट्टा भी दे दो, ये वाला भी लगा लो, ये वाला ये साइड से दे दो, चुनरी 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 आजा मैं कन्न कन्न चुनरी सनम। अब एक दिक्कत है कि मैं लहंगा यहाँ पे पहनना चाहती हूँ, अब ये पूरा मेरे चेस्ट पर आ जाए तो एकदम पूरा ठीक होगा नीच तक, तो ये कटा जा सकता है कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर नहीं कटा जा सकता तो ये नीचे ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो आपको तो पता ही है कि लहंगा ऐसे फुला हुआ कैसे रहता है, क्योंकि इसके अंदर दिस थिंग रहता है, इसको कैन कैन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैन कैन। कैन कैन? आई डोंट नो मे बी। अच्छा, श्योर नहीं है। ये बहुत हार्ड मटेरियल है। हाँ, इसके वजह से बाप रे पूरा एकदम ऐसे घेर होके रहेगा। और ये वाला जो है ये मेहंदी पे पहनने के लिए है, ये मैंने अभी पहना था, ये भी थोड़ा साइड से इसको घटाना पड़ेगा, और मैंने इसके ऊपर ही पहना था तो थोड़ा ज़्यादा ही घटाना पड़ेगा इसको भी,
तो यहाँ ये मैंने पहन के आपको आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि ये पहले से ही स्टिच्ड है, तो फाइनल लुक आप लोग मेरे मेहंदी पे ही देखो, इसलिए मैंने ये अभी नहीं दिखाया। तो अभी मैं नहा लिया हूँ, अभी मेरे को ऊपर वाले छत पे जाना होगा क्योंकि इसको एक रील शूट करके देना है मेरे को। सो दिस इज हर लुक फॉर आज का जो रील बनेगा। मौसम बहुत सही है, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है ना। हाँ। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, ज़्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। एक्चुअली क्या ना, हम दोनों एक साथ वो मतलब बहुत सारे रील्स बना सकते थे, बट वो ट्राईपॉड में रख के रील बनाने में मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा मूवमेंट हो। एक्चुअली कैमरे से बना दे, वो आईफोन से नहीं, ताकि वो ब्लर इफेक्ट आए, कोई है ही नहीं। तो उसके बाद देखो, हमने लंच किया, रेस्ट किया, बातें की, वैसे कुछ खास खा नहीं, तो अभी थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। 8 बज रहे हैं रात के, क्योंकि तीन काम क्या है, एक काम नहीं है, एक मेरे को भूख लगा है, मैं तो घर पे रहता तो खा ही रहता। और ये धुआं आ रहा है वहाँ से, तभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि इसका पासपोर्ट करवाना है। नहीं, इसका पासपोर्ट एक्चुअली है ही नहीं, मेरा है, इसका नहीं है। तो इसके आधार कार्ड में थोड़ा इशू है नाम को लेके, तो वो आधार कार्ड का भी देखने जाना है कि क्या सीन होता है, कब तक टाइम लेता है, क्योंकि वो जल्दी होगा तभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और एक और काम ये है कि इसको कोर्ट के लिए एक शू लेना, तो वही देखने जाएंगे, तो दोनों काम कर लेंगे। और मेरे को भूख लगा है, मैं घर पर रहता तो ओट्स खा लेता, अभी देखते हैं क्या मिलता है, देखते हैं। तो जूता हमें मिल गया, अभी खाना ढूंढने जाना है। खाना हो गया, अभी जा रहे हैं आधार कार्ड वाला सिम कराने के लिए। तो दोस्तों अभी आगे घर डिनर करने जाना है, तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड इंस्टाग्राम में मेरे को इंद्राणी को फॉलो करो। एंड बाकी ऐसे मतलब अभी ना मैं सोच रहा हूँ व्लॉग्स को थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँ, क्योंकि डेली व्लॉग मेरे को जाना है, दैट इज़ द मेन इंटेंशन, दैट हैज़ बीन द मेन इंटेंशन काफ़ी महीनों से या सालों से मैं बोलता था, बट कर नहीं पा रहा था। तो अभी थोड़ा सा डिफरेंट करूँगा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर से कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करूँगा। तो जो भी है, व्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड टिल द टाइम मैं अपलोड मैं एक्सपीरियंस, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड कीप वाचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल ड्राइव जिंदगी। मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में।